नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फिर से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लिखा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन फ्रॉम द योर चैप्टर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्यादातर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाता हूं, देन योर फ्लूइड मशीनरी पढ़ाता हूं। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है, टॉपिक इज योर एडम्स बैशफोर्थ मेथड, और ये जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट से आया हुआ है, दैट इज योर न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सिविल इंजीनियर्स, या फिर यही सब्जेक्ट जो है अलग अलग ब्रांचेस में है, जैसे स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स इन इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, तो अलग अलग ब्रांचेस में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्पेशली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको मालूम है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं इंटीग्रेशन मारता हूं तो हमारे को एक फंक्शन मिलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम एक फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके बाद करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहां पर दो मेथड्स ऐड हो जाते हैं, एक एडम्स, ठीक है। एडम्स बैशफोर्थ मेथड क्या होता है, पहले जिस फंक्शन की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम एक फंक्शन की वैल्यू को पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो ये मेथड मैं बता देता हूं आपको, y n plus 1 equal to y n plus h by 24, याद रखिएगा ये n नहीं है, ये h है, ठीक है। h by 24 into 55 y n dash minus 59 y n minus 1 dash plus 37 y n minus 2 dash minus 9 y n minus 3 dash, ठीक है। तो इससे फंक्शन की वैल्यू पहले प्रिडिक्ट कर ली जाती है, फिर ये बाद में चेक किया जाता है कि जो प्रिडिक्ट की गई वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं। ये हमारा दूसरा मेथड है, करेक्टर, y n plus 1 is equal to y n प्लस एच बाई 24। इसके पीछे की थ्योरी भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और आप कर क्या रहे हैं इस मेथड में, ठीक है। प्लस एच बाई 24 इंटू 9 वाई एन प्लस 1 डैश प्लस 19 वाई एन डैश माइनस 5 वाई एन माइनस 1 डैश प्लस वाई एन माइनस 2 डैश। अब ये देखिए जो डैश डैश है ना, ये डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है। देखिए अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। अप्लाई एडम्स बैशफोर्थ मेथड, ये हमारा एडम्स बैशफोर्थ मेथड है। एक्चुअली इन स्टेप्स को बोला जाता है प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, मतलब पहले प्रिडिक्ट की जाए वैल्यू फंक्शन की, उसके बाद करेक्ट की जाए। तो इसमें दो मेथड्स आते हैं, एक तो मिलेज सिम्पसन मेथड जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था। अब ये जो दूसरा मेथड है एडम्स बैशफोर्थ मेथड, अभी तक आपने क्या देखा है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपने किया है तो उसमें जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होती है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि x 0 की वैल्यू 1 है तब y 0 की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। तो इस वैल्यू का यूज करके नेक्स्ट वाली वैल्यू प्रिडिक्ट की जाती है, यानी कि फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। मगर जब काफी सारी वैल्यूज दी गई है एक फंक्शन के लिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं इसका क्या मतलब है। आपके पास ये फंक्शन है, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके और कुछ प्रीवियस वैल्यूज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं इस मेथड से, आप क्या बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बाद में करेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx equal to 1 plus y square. अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन मारते हैं, मान लीजिए मेरी कोई भी वीडियोस देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को समझाया आपके है कहिए, ठीक है। तो dy/dx equal to 1 plus y square है, ये दिया हुआ है, ओके। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन मारता हूं तो डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन मारता हूं तो आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा, x cube plus 3x square plus 4x plus 2, हो गया। अब यहां पर ये जो x की वैल्यू 1 डालिए, हर जगह आपको y की वैल्यू 2 मिलेगी। अब मुझे मालूम है इसमें नहीं मिलेगी, ये तो मैंने अपने से मान लीजिए कि इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे ये फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको ऑलरेडी कितनी सारी वैल्यूज दी है, ठीक है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू। तो इन सारी चार वैल्यूज का यूज करके मुझे नेक्स्ट वाली वैल्यू बतानी है, प्रिडिक्ट करनी है और बाद में बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं। तो ये जो मेथड होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिससे आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू प्रिडिक्ट कर देते हैं और बाद में करेक्ट करते हैं, यानी कि y की वैल्यू बताते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, आप देख रहे हैं साफ साफ, y की हर एक वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो ये लिख सकता हूं ना मैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ये, ओके। चलिए अब मैं हर एक चीज डिटेल में लिखता हूं आपके लिए, ओके चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ। तो अब देखिए हमें कौन सी x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी है,
ठीक है, x इक्वल टू 0.8, तो यहां पर चलिए पढ़ता हूं, अप्लाई एडम्स बैश फोर्थ मेथड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें ये नहीं मालूम कि वो y4 है y3 है y2 है y1 है, ओके, अब हमें फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू ढूंढनी है, क्लियर हो गया, मगर कोई x की वैल्यू के लिए, कि कोई भी x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो x कौन है, वो 0.8 दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देता हूं दैट x इक्वल टू 0.8, ठीक है, ठीक है, ओके, अब क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका यूज करके हम फंक्शन की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं, ठीक है, सो एक काम करता हूं, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए, तो ये जो ब्रैकेट में होती है ना, ये x की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है, ओके, तो देयरफॉर x0, ठीक है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो x0 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y0 इक्वल टू 0, क्लियर हो गया, ये वैल्यू लिख रहा हूं, नेक्स्ट x की वैल्यू है ये, तो जब x1 0.2 है, क्लियर हो गया, तो y1 क्या है, ये y1 होगा, तो वैसे ये x0 मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ओके, सो क्लियर हो गया, सो देयरफॉर दिस इज, हाँ, वाई की वैल्यू कितनी है, 0.2027, लेट मी चेक, यही लिखा है मैंने, हाँ यही लिखा है, ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट इज योर x2 इज हाउ मच, दिस इज 0.4, ओके, तो उसके लिए y2 कितना है, दैट इज योर 0.4228, हो गया, ये पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट x3 कितना है, दैट इज योर 0.6, तो y3 कितना है, Your 0.6841, क्लियर हो गया, अब आप देखिए कौन सी x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू बोली गई है, x इक्वल टू जब 0.8 होगा तब फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो यहां पर अभी जगह नहीं है राइट साइड में, तो यहां पे लिख देता हूं, तो x4, तो डेफिनेटली अगर ये x3 है तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला आएगा x4, तो दैट इज योर 0.8, तब y4 कितना होगा, यही तो हमें चाहिए, फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आप थोड़ा सा गौर करेंगे X1 और X0 के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 0.2, इनके बीच में भी देखिए 0.2, तो ये जो डिफरेंस होता है ना X की कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का, ठीक है, ये होता है H, तो H इज योर 0.2, क्लियर हो गया, ओके, हमें क्या चाहिए, Y4 चाहिए, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू Y4 चाहिए, तो अगर हमें Y4 चाहिए तो हमारा n क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, Yn+1, अगर हमें Y4 चाहिए तो डेफिनेटली n क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो यही फॉर्मूला रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा हमारा, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा Y4, n की वैल्यू 3 ली ना हमने, तो Y4 इक्वल टू ये n क्या हो जाएगा 3, तो दैट इज योर Y3 प्लस h, h मैं लिख लेता हूं, जब फॉर्मूला यूज करना होगा तब हम आगे यूज करेंगे, 55, तो दैट इज योर n की वैल्यू, तो 3 है, Y3-59 n माइनस वन, तो 3 माइनस वन इज Y2-, ओके, प्लस 37, तो n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 इज 1, तो दिस इज Y1-9 n माइनस 3, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 3 इज 0, तो Y0-, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया, वैसे ही हम इस फॉर्मूले को भी रिड्यूस कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या 3 थी, तो Y4 हो गया, ठीक है, सो दिस इज n की वैल्यू 3 प्लस h बाय 24, तो दिस इज 9, अभी n की वैल्यू 3 है, तो n प्लस 3 प्लस 1 4, तो दिस इज y मींस हाउ मच इट इज 3 प्लस 1 दैट इज y4- प्लस 19 yn- तो n की वैल्यू 3 है, तो y3- माइनस 5 n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 1 इज योर y2- प्लस अब n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 1 इज योर मीन्स 3 माइनस 2 n माइनस 2 और n की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 2 इज y1, तो y1-, लेट मी चेक एक बार देख लेता हूं, 4 दिस इज 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो ये हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, देखिए y3 है हमारे पास, y3 है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज y3-, चलिए y3- निकालते हैं अभी, तो y3- कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले मैं एक चीज लिख लेता हूं, हाँ, मैंने कहीं भी y- नहीं बताया, y- क्या हमारा, ये डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 1 प्लस y2, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, y3- चाहिए, तो अगर मुझे y3- चाहिए तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, क्लियर हो गया, ये जो डैश है ये डेरिवेटिव को बताता है, सिंगल डेरिवेटिव को बताता है, अगर मुझे y3- चाहिए तो इस
इक्वेशन का यूज करूंगा, तो उसमें भी मैं x3 और y3 की वैल्यू डालूंगा, मगर आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में x का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू ही पुट हो रही है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो मैं सिर्फ y3 की ही वैल्यू यूज करूंगा। और y3 क्या है, 0.6841, तो यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज 1 प्लस 0.6841 का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर y3 डैश कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.468, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, y3 हो गया हमारा, नेक्स्ट इज y2 डैश, y2 डैश, तो यही इक्वेशन यूज करूंगा मैं, ठीक है, मगर हमें y2 डैश चाहिए तो हमें x2 और y2 की वैल्यू पुट करनी है, मगर x तो कोई टर्म ही नहीं है इस फंक्शन में, तो मैं y2 की यूज करूंगा, सो देयरफॉर 1 प्लस 0.4228 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी y2 डैश हमने कहा निकाला है, दिस कमिंग आउट टू बी 1.1788, हो गया ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, y2 डैश हो गया, नेक्स्ट इज हमारा y2 डैश हो गया, अब y1 डैश, ठीक है, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ओके, y1 डैश कितना है हमारा, तो y1 डैश अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला यही यूज होगा, मगर उसमें y1 और x1 की वैल्यूज यूज होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें y1 है, ये जो है ये 1 है और ये डैश यानी कि डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास है, मगर हमें y1 डैश चाहिए तो यही फॉर्मूले का यूज करूंगा, मगर उस दौरान x1 और y1 की वैल्यू यूज करूंगा, मगर यहां पे x की कोई टर्म नहीं है तो y1 की वैल्यू यूज करूंगा, दैट इज 1 प्लस 0.2027 का होल स्क्वायर, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी y1 डैश इज 1.0411, क्लियर हो गया, ओके। वैसे ही अब लास्ट में है y0 डैश, ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करूंगा, मगर यहां पे x0 y0 यूज करूंगा, मगर जब आप देख रहे हैं x की तो कोई वैल्यू है नहीं फंक्शन में, तो y0 जीरो है तो दिस इज जीरो, तो y1 डैश इज 1, हो गया क्लियर, ओके। चलिए तो अब ये सारी वैल्यूज उठा के आप यहां पे पुट कर देंगे, इट्स क्वाइट इजी, तो एक काम करता हूं यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर y4 इज इक्वल टू y3, y3 की वैल्यू किधर है भाई हमारे पास, y3 की वैल्यू ये है, तो दिस इज 0.6841 प्लस h by 24, ये वाला यूज करो, फिलहाल करेक्टर नहीं यूज करो, पहले प्रेडिक्ट करने वाले को, h की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइड बाय 24, ओके, सो देयरफॉर 55 इनटू y3 डैश कितना है, यहां पे 1.468 हो गया, देन माइनस 59 इनटू y2 डैश कितना है, दैट इज योर 1.1788 हो गया, नेक्स्ट इज प्लस 37 इंटू y1 डैश कितना है, दैट इज योर 1.0411, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर कौन सा है नेगेटिव 9 y0 डैश तो यहां पर है, दैट इज इंटू 1, हो गया ये भी, ओके। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे y4 जो प्रिडिक्ट हो रही है वैल्यू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.0233625, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, एक काम करता हूं, ये जो y4 आया है यहां पे लिख देता हूं, y4 कितना है, प्रिडिक्ट कितना किया गया 1.0233625, क्लियर हो गया ये, ओके। चलिए इसे मिटा देता हूं, ओके, अब प्रिडिक्ट तो हो गई, अब हमें करेक्ट करनी है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करूंगा। अभी देखिए y3 हमारे पास है, h भी है, y4 डैश नहीं है, बाकी ये y3 डैश, y2 डैश, y1 डैश, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो y4 डैश सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहां पे निकालते हैं y4 डैश, तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, ठीक है, मगर हमें y4 डैश चाहिए तो हमें यहां पर x4 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और y4 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिलहाल देख रहे फंक्शन में, इस फंक्शन में x की वैल्यू है ही नहीं है, तो y4 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, y4 हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके हैं, सो दैट विल बी 1 प्लस, तो y4 आएगा, y4 दिया है हमारा 1.0233625 का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू आ रही है y4 डैश की, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.04727, तो हो गया। अब हम इस वैल्यू इस यहां पे पुट कर देते हैं, y3 कितना है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0. यहां पे दिया हुआ है देखिए 0.6841, ठीक है, प्लस h, h कितना था 0.2 डिवाइड बाय 24, ओके, 9 y4 डैश यह आ गया है, दिस इज इनटू 2.04727, ओके, प्लस 19 y3 डैश कितना है, ये रहा, ठीक है, सो दैट इज योर इनटू 1.468, ओके, negative 5 y2 डैश कितना है, दैट इज इनटू 1.1788, हो गया, ओके, प्लस y1 डैश कहां पर है हमारा, y1 डैश, ये y1 डैश, दैट इज 1.0411, ठीक है,
हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज. सो देयरफॉर जो वैल्यू करेक्ट आती है इस एडम्स बाशफोर मेथड से दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.02964. तो दिस इज योर आंसर. तो यही है हमारी वो फंक्शन की वैल्यू. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्या बोला था, टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि आप क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन मारते हैं और एक सॉल्यूशन निकालते हैं. सॉल्यूशन निकालना मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालना, मतलब एक पर्टिकुलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, देखिए सिंपल सी बात थी. स्टार्टिंग में आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू होती थी, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, आप क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव निकालते थे ना ट्वेल्थ में. तो कितना आ जाएगा, समथिंग 3x स्क्वायर प्लस 2x कांस्टेंट. मगर जब आपका जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप वापस इंटीग्रेशन मारेंगे तो वापस इसी फंक्शन में पहुंच जाएंगे जिसका आपने जिसका आपने डेरिवेटिव किया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए आप वाई की वैल्यू निकालते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. तो यही चीजें कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करके आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो अलग अलग एक्स की वैल्यूज का यूज करते हुए. और अलग अलग जो प्रीवियस वैल्यूज, इसमें खास यही है कि प्रीवियस वैल्यूज बहुत ज्यादा दी हुई है, इन्हीं वैल्यूज का यूज करके आप नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इसी वजह से इसे मल्टी स्टेप मेथड भी कहा जाता है. क्लियर हो गया, क्योंकि पेयर्स में दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक प्रिडिक्ट करने के लिए वैल्यूज को और एक करेक्ट करने के लिए. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट. मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद. थैंक यू.